नमस्कार डियर्स, वेलकम बैक योर चैनल एमआरके सिविल एजुकेशन। आज की वीडियो हाउस प्लान के रिगार्डिंग है डियर्स, जो कि हमेशा आप काफ़ी जो वीडियोज हैं मेरी इसके अंदर जो मैंने बनाई हुई है हाउस प्लान की, और वो जो काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आई थिंक आती है, क्योंकि जो भी कमेंट्स आते हैं या मतलब जितना भी जिसको भी अपना घर बनाना हो तो एक सबसे बेस्ट ऑप्शन यूट्यूब के अंदर है मेरी वीडियोज़ के अंदर इसमें चैनल में, क्योंकि आर्किटेक्ट के पास जाते हैं डिज़ाइन के लिए चार्जेज लगता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट सब चल रहा है। और उम्मीद है कि आपके साइज़ के प्लॉट जो वो अपना बिल्कुल जो अन साइज होता है, या सॉरी ये कह दीजिए कि अपना जैसे एक सेक्टर के प्लॉट होते हैं काफ़ी कॉस्टली होते हैं या अप्रूव्ड के होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक तो लोग अपने आप डिज़ाइन कर लेते हैं, क्योंकि उनका जो प्लॉट भी होता है जो हाई लेवल की फैमिली होती है तो वो तो अपने आप जैसे डिज़ाइन है, उनके तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जो मीडियम लेवल की फैमिली होती है उनको डिज़ाइन कराने में 4-5 हज़ार रुपये आर्किटेक्ट लेता है छोटी से छोटी चीज़ का, वो चीज़ आपको यूट्यूब के अंदर फ्री में मिल जाएगा। आई थिंक मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि डिज़ाइन में ऐसा बनाऊँ और आपकी इसमें हेल्प हो। तो डियर, जैसे आज बात करेंगे 35 फुट बाई 35 फुट का एक रेजिडेंस प्लान है, ईस्ट फेसिंग का है, ठीक है डियर्स। तो चलिए वीडियो पे बात करते हैं डियर्स, बस ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो पे बात करता हूँ, डायरेक्ट सीधा मैं अपनी वीडियो पे आता हूँ। ये 35 फुट बाई 35 फुट की अपनी बाउंड्री है, यहाँ पे अपना मेन गेट रहेगा, ओके डियर्स, इस बात का ध्यान रखना है। मैंने बस एक लाइन बनाई है टेम्परेरी अभी लाइन के लिए आपको सिर्फ, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होता वीडियो, मैं साइड पर ड्यूटी भी करता हूँ, बहुत कम टाइम मिलता है, जल्दीबाजी में बनाना आते हैं थोड़ा सा। तो ये डियर्स वीडियो, यहाँ पे अपना मेन गेट आ जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपना 9-10 फुट का गेट दे देंगे, उसके बाद एंटर हो जाएगी। तो बिल्कुल बड़े आराम से कार पार्किंग अपन यहाँ खड़ी कर सकते हैं, थोड़ा गेट बड़ा करके देखो, इतने छोटे से एरिए के अंदर कार पार्किंग भी निकल गई है। 7.5 फुट का अपने सामने फ्रंट पे जगह छोड़ी है, जहाँ पे स्टेयरकेस भी अपनी आ जाएगी ओपन के अंदर। घर में एंटर करने के बाद एक लिविंग रूम निकल गया, किचन कम डाइनिंग 12 फुट बाई 10 फुट 4.5 इंच का अपना ये किचन निकल गया, यहाँ से भी एंट्री और इधर से भी बाहर है। ये देखिएगा लेजर, जो आपको रेड में दिखाई दे रहा है वो अपना एक आउटर वाल है, इधर वाली भी आउटर वाल है, 9 इंच की वाल रखी है। अगर अदर जो प्रॉपर्टी है उसके साथ अपना रिलेशन या लिंक अच्छा है तो इसको भी हम 4.5 इंच उसका और 4.5 इंच अपना उसमें शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये भी है कि इसको हम 4.5 में भी कर सकते हैं, तो ये जगह थोड़ा और बढ़ जाएगा अपना। यहाँ पे ये बीच वाला जो गेप है ना गैलरी टाइप में, ये सिर्फ ये है वेंटिलेशन के लिए, यहाँ पे अपना विंडो आएगा उसकी वेंटिलेशन के लिए अपने को गैप दे दिया, क्योंकि कंजेशन अगर पूरा हम पैक बना देंगे तो फिर एयर वेंटिलेशन की बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी और फिर उमस रहेगी, और कुछ थोड़े टाइम बाद घर बनाने थोड़े से टाइम बाद इसमें स्मेलिंग अंदर रहेगी और वो फिर उसका कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है डियर। चलिए भी आगे चलते हैं, ये निकल गया अपना चिल्ड्रन बेडरूम और ये हो गया मास्टर बेडरूम, दोनों के अटैच अपने टॉयलेट हो गए। ये अपना एक बाथरूम बना दिया एक टाइप का 4x9x5x9 का, इधर भी एक अपना बाथरूम टॉयलेट ये सब यहाँ पे बन गया, और इधर इसका पीछे गेट देना चाहो दे सकते हैं, बट ज़्यादा स्पेस नहीं है, सिर्फ वेंटिलेशन के लिए डियर्स अपन ने 2 फुट की जगह रखी है, और इधर 2 फुट रखी है, इधर 2 फुट 6 इंच की जगह रखी है। ये आप कवर करना चाहो तो कवर कर भी सकते हो, फिर साइज थोड़े बड़े हो जाएंगे बेडरूम्स के, कुछ और चीज़ें निकलेगी, परंतु वेंटिलेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। बस ये डिज़ाइन उन लोगों के लिए बनाया था जो अपना मीडियम लेवल की फैमिली है और बिल्कुल छोटा सा प्लॉट साइज़ और उसके अंदर कुछ अच्छा सा अगर निकलने का सोच रहे हैं तो वो चीज़, बस उसी हिसाब से ये मैंने डिज़ाइन बनाया है। व्यूअर्स, विंडोज़ वगैरह ज़्यादा इसके अंदर नहीं दिखा पाया क्योंकि टाइमिंग नहीं होता, साइड पर ड्यूटी होती है, इसलिए आज बस ये संडे करके बनाया है थोड़ा सा। तो डियर्स, ये जो 35x35 का प्लॉट है इसके अंदर जो कवर एरिया है वो मान के चलिए आप 29 फुट बाई 29 फुट का कवर एरिया हमने रखा है, बस इतना इसके अंदर बनाया, बाकी सारा ओपन स्पेस दे दिया। एक किचन, एक डाइनिंग है, अपना लिविंग रूम निकल गया, 2 बेडरूम निकल गए वेंटिलेशन के साथ, आई थिंक बहुत बढ़िया प्लान निकल के आएगा। और डियर्स एक बात मैं इसमें बता दूँ, इस प्लान की मैंने 3D बनाई है और व्यूज़ एलिवेशन इसका जो इंटीरियर है उसका 3D भी बनाया है, इसका एलिवेशन भी बना के दिया है मैंने, और इसका स्ट्रक्चर जो कॉलम लेआउट है वो भी मैं अगली वीडियो के अंदर ज़रूर आपको दिखाऊंगा। तो अपने नियर दोस्तों को जिसको भी रिक्वायरमेंट हो, जिस टाइप की मेरी जो चैनल्स हैं उसके अंदर हाउस प्लानिंग की, मैंने प्लेलिस्ट के अंदर आप जाओगे बहुत सारी हाउस डिजाइनिंग की वीडियो बना रखी है अलग अलग साइज़ के, वास्तु के अकॉर्डिंग, बिना वास्तु के भी, तो आप उसमें देख सकते हैं माय डियर्स। उम्मीद है कि आपको इसमें हेल्प मिलेगी, और
ये जो प्लान था अपना 35x35 का कवर एरिया, इसमें 29x29 का एक कवर एरिया है, ईस्ट फेसिंग का है, और इसका फर्स्ट फ्लोर भी चाहें तो बना सकते हैं, बिल्कुल सेम ऐसा है फर्स्ट फ्लोर, ये सब चीज़ें निकल के आ सकती है, ये जो रूम है इसको अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको कहीं ये लग रहा हो इस प्लान में फर्स्ट फ्लोर में कुछ आपको अगर किचन नहीं चाहिए यहाँ पे रूम, तो अगर आपको कोई इसमें हेल्प चाहिए तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके, या ईमेल भी mohanlalmlm@gmail.com पे। और चलिए डियर्स, ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो व्यूअर्स, चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। व्यूअर्स, आप वीडियो देखते हो लाइक भी करते हो परंतु चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो ओके, बाय बाय व्यूअर्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।